आधुनिक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, देश की सूचना क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस जन बड़े ही उत्साह के साथ शुक्रवार को मनाएंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए नीमच शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर सभी कांग्रेस जन एकत्रित होंगे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद यहां एक सभा आयोजित की जाएगी जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी के विचारों और कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा, साथ ही उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लिया जाएगा। इसके पश्चात सभी कांग्रेस जन गांधी भवन परिसर में फल व छायादार वृक्ष लगाएंगे। गौरतलब है कि लगातार कांग्रेस जन यहाँ पर वृक्षारोपण करते आ रहे हैं। देखिए, कल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी की जन्म जयंती है, जो हम यहाँ गांधी भवन में बड़े हर्षोल्लास से वो समारोह पूर्वक मनाएंगे। राजीव जी ने जब देश की सत्ता संभाली उस समय बहुत विकट स्थिति थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद खालिस्तान आंदोलन चरम पे था, आसाम में बोडोलैंड आंदोलन चरम पे था और उधर श्रीलंका में भी तमिल और सिंहल आंदोलन था। तो उन्होंने सबसे पहले उन आंदोलनों को शांत किया और समझौते किए, लोंगोवाल पंजाब में लोंगोवाल समझौता किया और देश में शांति और भाईचारा कायम किया। राजीव जी देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उनका विजन था कि देश को 21वीं सदी में ले जाना है, तो उन्होंने महसूस किया कि अगर देश को 21वीं सदी में ले जाना है तो आधुनिक तकनीक से लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने संचार क्रांति का सूत्रपात किया, जो संचार क्रांति आज हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में। भारत के विद्यार्थी, यहाँ तक कि नासा में भी जो वैज्ञानिक हैं वो भारत की ही देन है और राजीव जी की देन है। तो उन्होंने संचार क्रांति का सूत्रपात किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि गाँव में जो पंचायतों में जो पैसा केंद्र से भेजा जाता है वह नीचे तक पहुँच नहीं पाता। अगर एक रुपया भेजता है तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बोल्डली स्वीकार किया कि हम अगर केंद्र से एक रुपया भेजते हैं तो वहाँ तक केवल 25 पैसा ही पहुँच पाता और विकास नहीं हो पाता। गांव का विकास वहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा जानते हैं। तो उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि देश युवाओं का देश है, तो 21 साल का जो मताधिकार था उसको उन्होंने 18 साल से तक का किया कि 18 साल का युवक भी उसमें मतदान कर सकता है। ऐसे राजीव जी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। महिलाओं के लिए उन्हें 50% का आरक्षण किया। तो ऐसे हमारे देश के महान पूर्व प्रधानमंत्री का हम जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। हम पहले गांधी भवन में सभागृह करेंगे, सभा मनाएंगे, उसमें पूरी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उनके जो बताए कदम है या उन्होंने जो हमको निर्देश दिए थे उस पर चलने का प्रयास करेंगे। साथ ही उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया है कि गांधी भवन परिसर में पिछले 3-4 साल 5 साल में हमने काफ़ी सघन वृक्षारोपण किया था, जो आज आप देख रहे हो काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। तो उससे प्रेरणा लेकर हम पीछे की तरफ हम फल वाले पौधे लगाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को फल